सावधान गौर करियो, तुहाडा भी जिहड़ा वीज़ा है वह रिफ्यूज़ हो सकता है, जिहड़ा वीज़ा बाहर जाण दा जिहड़ा है तुहाडा जां तुहाडे परिवार के किसी मैंबर का रिफ्यूज़ हो सकता है। जी हाँ, एक वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे कि एक गल जिहड़ी है डीसी पटियाला वालों जारी की गई है कि स्टबल बर्निंग अगर कोई भी करता है, कोई भी किसान जिहड़ा है वह पराली साड़दा है अते वह कितें आइडेंटिफाई हो जाता है तां दैट कैन लीड टू वीज़ा कैंसलेशन, तुहाडा वीज़ा जिहड़ा है वह रिफ्यूज़ हो सकता है। वह सीधा दे सीधा रिपोर्ट जिहड़ी सरकार कोल जाती है तो वीज़ा जिहड़ा है ग्रांट नहीं होएगा। पूरी डिटेल की है तुहानू दस्सदे आं कि पंजाब दे विच लुधियाणा दे विच एक रिमोट सेंसिंग यूनिट है जिहड़ा कि एक सैटेलाइट के थ्रू ये चीज़ चैक रखता है कि किहड़े किहड़े एरिए दे विच पंजाब दे जिहड़ा उत्थे अग लगी हुई है, उत्थे पराली नू अग लगाई हुई है किसी ने, तो वह चीज़ कैप्चर हो जाती है। जे गल की जाए तो पंजाब दे विच इस सीजन दे विच करीब 590 जिहड़े केसिस ने एक दिन दे विच आए सी जिथे पराली जिहड़ी आ उह साड़ी गई सी किसानां वल्लों, ते जे ऑल ओवर गल की जाए तो इस सीजन की करीब 3200 केसिस जिहड़े ने उह हुण तक हो चुके ने जिथे कि किसानां वल्लों पराली साड़ी गई है। लगातार सरकार वल्लों मना किया जाता है पर उस तो बाद भी जिहड़ा है काफ़ी बारी यह गल नहीं मनी जाती, तो हुण वड्डा एक्शन जिहड़ा हुण जा रहा है कि जे तुहाडे वल्लों या तुहाडे घरों किसी वल्लों भी जिहड़ा है ये चीज़ की जाती है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है, पराली साड़ी जाती है, तो हुण वड्डा एक्शन होएगा। डीसी पटियाला वालों एक जिहड़ी गल कही गई है उन्हां वालों एक लॉ जिहड़ा जारी किया गया है कि हुण जदों भी स्टबल बर्निंग का कोई केस सामने आएगा तो वह आइडेंटिफाई होकर जिहड़ा सैटेलाइट के थ्रू जिहड़ा उन्हां कोल इनफॉर्मेशन पहुँचती है तो वह एक चलान जिहड़ा वह जारी हुंदा है, पर जे तुसीं वह चलान नहीं भरदे वह जिहड़ा फाइन है वह अमाउंट नहीं भरदे तो उस तों बाद तुहानूं दो जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने वह आणगियां। नंबर एक, वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा, तुसी कोई भी कितने भी जाने वास्ते वीज़ा अप्लाई करते हो तो तुसी वीज़ा जिहड़ा तुहानू नहीं मिलेगा क्योंकि तुहाडी NOC जिहड़ी है वह क्लीयर नहीं होएगी। तो इस तो बाद दूसरी चीज़ जिहड़ी है तुसी जमीन की रजिस्ट्री वास्ते कितने भी जाने हो वह चाहे तुहाडी कमर्शियल लैंड होवे, तुहाडी रेजिडेंशियल लैंड होवे या फिर एग्रीकल्चर लैंड होवे, उहदी अगर रजिस्ट्री वास्ते जाने हो तो तुहाडा नेम जिहड़ा उत्थे भी शो करेगा कि तुसी जिहड़ा फाइन नहीं भरिया, तो तुहानू उत्थे भी जिहड़ा है वह चीज़ का सामना करना पै सकदा, तुहाडी जिहड़ी रजिस्ट्री वह क्लीयर नहीं होएगी। तो जिहड़े डीसी ने उन्हां वल्लों पूरी गल दसी गई है तुहानू सुणाउने आ। एक्चुअली जो जेकर कोई भी सैटेलाइट वालों सानू रिपोर्ट आती है कि इस थां ते अग लगी हुई है पहला साडी टीम्स वेरीफाई करदियां ने, सो जे वेरीफिकेशन उपरंत सानू पता लगता है कि एक्चुअली वह सैटेलाइट की जिहड़ी अग आई वह सही आई है, जिदा हुण साडी 47 वेरीफाइड साइट्स हैगियां पटियाले दे विच, हुण उस थां ते आपां इंपोज करदे एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन जिहड़ा वो ईसी है जे वह भरिया नहीं गया वो एज अ ड्यूज खड़ा रहिंदा है सरकार वल, वो सरकारी ड्यूज बन जाते हैं, तो जिहड़ी कोई लाल एंट्री जमाबंदी दे विच हो जाती है रिकॉर्ड दे विच उहदे नाल भी दो दिक्कतां आ सकदियां हैगियां। जे आपां वीज़ा अप्लाई करदे तो एक तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट जिहड़ी लगती हुंदी है उहदे विच जे ये ड्यूज खड़े रह गए तो फिर उत्थे प्रॉब्लम आ सकती हैगी है, तो सैकेंडली जिहड़ी ये लाल एंट्री है जमीन की जो इवैल्यूएशन होंगी है उहदे विच भी तुहानूं थोड़ी जी दिक्कत पेश आ सकती है, इसलिए आपां ये चीज़ों के ना पईए क्योंकि अपने बच्चों का जो फ्यूचर है जो किसी ने बाहर जाना है अपना वीज़ा अप्लाई करना है उस दिक्कत पेश ना हो, इसलिए असी इन सेंटरों भी कहा है कि अपने जिन्हें भी कस्टमरस है क्लाइंट्स है ज कोई उन्होंने को आ रहा है ज आइल्स वाले भी जोड़े बच्चे है उन्होंने भी ये दस दिता जाए कि अपने पेरेंट्स को समझाया जाए कि ये इन्हों बाद तकलीफ कर सकती है ये चीज़ा, सो एक एडवाइजरी सारे ही अपने अपने सेंटर्स के डिस्प्ले कर रहे हैं, तो असं भी बार बार ये गल कर रहे हैं कि तुहाडे कोल बथेरिया ऑप्शनस है मशीनस सरकारी सब्सिडी भी मिली हुई है नाले कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिहड़ियां मशीन है असं फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करा रहे हैं, चैटबॉट का असं नंबर दिता हुआ है, तो वह मशीन की बुकिंग कर लो अग ना लगाओ, जे फिर भी तुहानू दिक्कत आ रही है फॉर एग्जाम्पल कि अज तुहानू मशीन चाहिए अज अवेलेबल नहीं है असी तुहानू फैसिलिटेट करावांगे कि अगले दिन जा उस तो दो दिन बाद तुहानू मशीन मिल जाएगी। तो नंबर टू तुहाडे माध्यम राही मैं ये भी दसना चाहनी हूँ कि हरेक फार्मर हुण ये चाह रहा है कि मेरे को बेलर ही आवे, मैं ये दसना चाहनी हूँ कि बेलर एक एक साडा साधन नहीं है, इनफैक्ट वो एक्सी टू मैनेजमेंट है, उसका मतलब है वो जो भी पराली है वो चक के लै जाता हुंदा है, जिहड़े बेलर ने वह भी ओवरबुक हो चुके हैगी है, तो गठिया चक्कण की भी हुण उन्होंने दिक्कत समस्या पेश आ रही है वह असी हल करा रहे हैं, लेकिन आ समा है जिदे विच असी अपनी जिहड़ी बिजाई कर सकते हैगे कणक की, सो जदों आपां नूं बिजाई करनी ही है कणक की
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਲਰ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬੇਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲਰਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਵੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਲਾਈਸੈਂਸਿਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।